इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 6 3 18 हासिल 1, 5 3 15 1 16 का 6 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7 3 1 3 आ गया ठीक है, और साथ में जमा कितने 1/3 2 3 4 5 6 6 बार 1/3 3 2 6 यानी कि 37 0 3 68 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया 37 0 3 70 ये हो गया आंसर। नहीं समझ आया कैसे हुआ है ना, तो चलिए देखते हैं अब सबसे पहले क्या करिए, सभी टर्म्स को एक एक टर्म्स को इसमें आप क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कुछ इस तरीके से करना है आपको, 3 + 1/3 ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, आपको पता है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 33 + 1/3 इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3 3 3 + 1/3 इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3 + 1/3 इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 5 × 3 + 1/3 ठीक है, इसे कैसे लिख सकता हूँ, 6 × 3 + 1/3 ठीक है ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सभी ये तीन वाले जितने भी नंबर्स हैं ठीक है ना, इन्हें मैं एक तरफ प्लस में लिख लेता हूँ, 3 + 33 + 3 × 3 + 4 × 3 + 5 × 3 + 6 × 3 ठीक है, और बाकी जो प्लस में इसके साथ रह गया है, इसके साथ प्लस में कौन, 1/3 कितनी बार, 3 4 5 6 times ठीक है, यही है 1 2 3 4 5 6 तो 6 times 1/3 हमने प्लस में लिख दिया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, इनका आप एक तरफ सम कर लेंगे ठीक है, और ये जो फ्रैक्शन वाला है इनका आप एक तरफ सम कर लेंगे। अब इसे करने की भी एक ट्रिक है, इसे करने की ट्रिक क्या है देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां आपको नंबर काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के ऐड को करने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप क्या करेंगे देखिए, आपको 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है ठीक है, आपको काउंट कर लेना है कितने कितने बार है यहाँ पे ठीक है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 5 टाइम है, यहाँ 6 टाइम है ठीक है, आपको 6 का टेबल पहले 3 टाइम्स पढ़ना है ठीक है, तो 6 3 = 18 ठीक है, फिर कैरी 1, फिर 5 3 = 15 और कैरी 1 ऐड कर दीजिए 16, 16 का 6 कैरी 1 अगले पे, 4 3 = 12 ठीक है, कैरी 1 13 हो गया कैरी 1 ठीक, 3 3 = 9 और 1 10 का 0 ठीक है, कैरी करिए नेक्स्ट पे, 3 2 = 6 और 1 7 और नेक्स्ट पे कुछ नहीं तो 3 1 = 3 ठीक है, इसका सम हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको किसका सम करना है, इसका, इसे बहुत इजी है सम करना, सबका बेस सेम है फ्रैक्शन में, सबका बेस सेम है तो क्या हो सकता है, सबका बेस सेम है तो आप 3 को सीधे लिख सकते हैं नीचे ठीक है, और ऊपर वालों को ऐड कर दिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना हो गया 6, 3 से 6 को काट देंगे कितना आएगा 2 और ये 2 आपका ऐड हो जाएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 3 7 0 3 और 7 0 68 में 2 ऐड हो गया तो 70 हो गया, ये रहा आपका आंसर। एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसे आपको करना है और ठीक है, आपको इस ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को करना है, 999 2/7 + 999 4/7 + 999 5/7 + 999 6/7 ओके। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।